तो आज भी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है. तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि आईआईटी जेईई मेंस 2013 में पूछा गया. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने करा था वो आईआईटी जेईई एडवांस में पूछा गया था, वो भी 2013 के. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है अ प्रोजेक्टाइल इज गिवेन इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड वेयर आई इज अलोंग द ग्राउंड एंड जे कैप इज अलोंग द वर्टिकल. तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको पहले मैं ये लिखता हूँ कि जो प्रोजेक्टाइल है जब इसको प्रोजेक्ट किया जाता है ऐसे, है ना, किसी वेलोसिटी यू से, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है ये दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड और जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है ये दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड. यानी ये जो वेलोसिटी है ये है 1i कैप प्लस 2j कैप, जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया. यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है. तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें बताना है द इक्वेशन ऑफ इस ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन निकालने के दो तरीके हैं. एक तो ये तरीका है जो हम लोग ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन जानते हैं उसको अगर यूज करेंगे. तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना. तो जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होता है वो एक्चुअली में x और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन बताता है. तो x और y तो रहेंगे, बाकी जो क्वांटिटी है जैसे यहाँ पर कि थीटा है, u है, g है, इनके वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे. जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है उनमें से हमें ये इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है. ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे. पहला चीज़ तो ये है जो थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना हो टेन थीटा तो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं यू आई बाई यू एक्स. तो यू आई जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, यू एक्स 1 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो गया 2/1. तो टैन थीटा का जो वैल्यू है ये आ गया 2, है ना. कॉस थीटा का वैल्यू भी यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं. सपोज ये थीटा है, ये 2 है, ये 1 है, है ना. तो टैन थीटा 2/1 है तो उसके हिसाब से मैंने ट्राइंगल बनाया है तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा √5. पाइथागोरस थ्योरम से 2² + 1² का रूट. तो इसमें से अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 1/√5, है ना. और ये जो यू है इनिशियल स्पीड है इसका वैल्यू कितना आएगा, 1² + 2² का रूट, है ना. यानी कि ये आ जाएगा √5 मीटर पर सेकेंड. तो u cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू x tan थीटा का वैल्यू 2 आया है वहाँ पर आप देख सकते हैं, माइनस g का वैल्यू 10 दिया गया है तो 10/2 x² u का वैल्यू √5 आया है तो u स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा. cos थीटा का वैल्यू 1/√5 है, इसका स्क्वायर है तो ये 1/5 हो जाएगा, है ना. तो यहाँ से ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये हो गया 5x², है ना. तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड का इक्वेशन आया है. ठीक, एक तो तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका मैं बताता हूँ. दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है तो x और y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना. जैसे कि अगर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं लिखूंगा ut + ½ at², है ना. ये अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ. तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो ये तो 0 हो गया. ux का जो वैल्यू है वह है 1, तो x का जो वैल्यू हो गया इसका वैल्यू 1 रखेंगे ( t. ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गया. उसी तरह से y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो y इज इक्वल टू ut + ½ at². तो यू वाई जो है इस बार 2 है, 2 ( t + 1/2,
एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी लिखा जाएगा क्योंकि निगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस टेन इंटू टी स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होता है वो एक्चुअली में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन बताता है, जैसे कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है तो टी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ से टी का वैल्यू मैं एक्स रख सकता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा वाई इज इक्वल टू टू इंटू टी के जगह पर एक्स माइनस फाइव टी के जगह पर एक्स। तो ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आ गया है ना। तो ये दो मेथड हैं जिनसे कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।